हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो सारा दिन के बाद मैं थोड़ा तैयार हुई इस तरह से। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ किचन में एंड मैं एक दिन शेयर की थी आपके साथ गणेश चतुर्थी के दिन ही कुलचा। तो मेरे फैमिली को ना और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, बेटी को हस्बैंड को दोनों को। तो बोला नहीं तो फिर आज फिर से बना दो, तो मैं फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा पूरा रेसिपी जो है मैंने तो यूट्यूब में दे ही दी हूँ, और ठीक है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो ये है देखो मैदा, तो मैदा में मैंने क्या क्या ऐड किए हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, दही, वाइट ऑयल, दैट्स इट, ये सब ऐड किए हैं। एंड ईस्ट को ना मैंने 10 मिनट के लिए भिगा के रखे थे, तो इसे ऐड करेंगे एंड इसे बहुत अच्छी तरह से सान लेंगे। गरम पानी मैंने करके रखा है और कुलचा के साथ करेंगे अभी पंजाबी स्टाइल की शाही पनीर। तो किस तरह से बनाते हैं फॉलो करो मुझे, देखिए मुझे। तो मैदा को मैंने सान लिए और अभी थोड़ा सा व्हाइट ऑयल को इसमें मैदा में लगा के इसे एक घंटा तक रेस्ट करें। और हाँ, मैंने एक बात बोलने भूल गया, मैंने इसमें बेकिंग सोडा हाँ थोड़ा सा यूज़ किए थे। तो क्या क्या दिए इसमें, ईस्ट फुला के रखे थे, थोड़ा सा शुगर और गर्म पानी के साथ, एज इट इज मेरा यूट्यूब चैनल में है मैंने किस तरह से किया है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो ईस्ट दिए, देन मैदा में थोड़ा सा व्हाइट ऑयल दिए, थोड़ा सा शुगर दिए, सोडा दिए, बेकिंग सोडा एंड सब कुछ, दही दिए एंड सब कुछ अच्छा से मिला के रख रहे हैं। और अभी इसे टोटली एक घंटा के लिए छोड़ देंगे। ये है गैस में, ये गरम हो चुका है। तो शाही पनीर मैं किस तरह से कर रही हूँ सो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो कढ़ाई को बैठा दिए, कढ़ाई गरम हो चुका है एंड गैस को कर दिए लो फ्लेम में। और अभी हम यहाँ पे 3 टमाटर कट के यहाँ पे दे रही हूँ और एक बड़ा साइज का प्याज कट के एंड उसके साथ कुछ हरा मिर्च भी दे रही हूँ। उसके साथ कुछ मूंगफली भी दे दीजिए, आप चाहे तो काट बदाम जो होता है आलमंड वो भी दे सकते हो। अभी ऐड करूंगी 1 चम्मच जीरा, हरा जीरा। इसे स्मूथ बनाने के लिए कुछ काजू दे रहे हैं। ऐड करेंगे नमक, ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, एंड थोड़ा सा केचप। इसमें मैंने कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं दिया, बस कढ़ाई को गर्म करके ये सब दिए एंड बहुत अच्छी तरह से इसे चला लेंगे। एंड मैं 2 कप के बराबर यहाँ पे पानी ऐड कर दूंगी, ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, देन इसे मैं एक पेस्ट बनाऊंगी। एंड ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बटर। हाय फ्रेंड्स, उस दिन जब पीयू कुलचा बनाई थी ना, ओह उसका कोई जवाब नहीं है, इसीलिए हमने उसे रिक्वेस्ट किया और एक बार भेजा। तो देखा कितना अच्छा सर्टिफिकेट मिला घर से ही, तो डेफिनेटली अच्छा हुआ, तभी आपके साथ शेयर कर। आप लोग भी इस तरह से बनाओ, बहुत अच्छा लगे। और आज बना रहे हैं शाही पनीर कुलचा के साथ, आपको नहीं पता लेकिन फ्रेंड्स लोगों को बोल दिए थे और अभी मेरे हस्बैंड हमको दिया जूस, सही में गर्म लग रहा है। और ना हम किचन में फैन ऑफ करके बात कर रहे हैं क्योंकि फैन चलेगा तो कोई भी आवाज नहीं आ मैंने पहुंचेगा आप तक इसलिए फैन ऑफ करके रखे हैं। हाँ, थैंक यू थैंक यू।
थोड़ा देर के बाद आपको उठा के देख रहे हैं, ये थोड़ा सा और भी। तो सही पनीर बनाने के लिए मैं दूसरी गैस में, ओवन में थोड़ा सा दे रही हूँ बटर। आप व्हाइट ऑयल भी दे सकते हो अगर आप हेल्दी खाना पसंद करते हो तो। ऐड करेंगे जीरा, ऐड करेंगे धनिया पत्ता, ऐड करेंगे थोड़ा सा क्रश कर लेना हाथ में केसरी मेथी, ऐड करना थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ऐड कर रहे हैं ये पनीर कर लेंगे। गाइस इसका मिक्सर तैयार हो गया है, कर देंगे गैस को बंद एंड थोड़ा देर के लिए ठंडा करेंगे, उसके बाद मिक्सी में इसे पेस्ट कर लेंगे। तो मेरा पनीर फ्राई हो गया है सही गाइस, सही में क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा खुशबू आया है। आप लोग घर में इस तरह से ट्राई करना जरूर, सही में बहुत अच्छा, मतलब स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है। लास्ट तक देखेंगे कि कैसा हुआ है। एंड अभी मैं इसे उठा लूंगी और इसी कढ़ाई में मैं सही पनीर बनाऊंगी। सो गाइस मेरा मैदा टोटली फुल के रेडी हो गया है, तो कुलचा बनाने के लिए रेडी हो गया है टोटली। ये एक घंटा के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए दिया है, काफ़ी नरम हो चुका है और मैं प्री हीट कर ली हूँ, तवा को बैठा दिए गैस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने मैदा ले ली यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे मैदा इस तरह से ले लेंगे और उसे रखेंगे यहाँ पे। एंड अभी थोड़ा सा यूज करेंगे वाटर, इसमें थोड़ा सा सादा तिल देंगे, थोड़ा सा काला मंगरेला एंड ये धनिया पत्ता एंड फिर से थोड़ा पानी लगाएंगे एंड इसे इस तरह से बेल देंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल से ही थोड़ा सा लंबा ही बेलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ही ऑयल से पैन में ग्रीस कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ही। थोड़ा सा पनीर मैं यहाँ पे दे रही हूँ, थोड़ा सा उंगली से ही दाब दिए हैं। एंड गाइस अभी मैं इसे पैन में दूंगी। गाइस देखो कुलचा जो है एक साइड कितना अच्छा फूल गया है एंड मैं इसकी चारों तरफ से थोड़ा सा लगाऊंगी पानी एंड इसे उल्टा साइड भी इस तरह से कर देंगे एंड थोड़ा सा हल्का इसे झाप देंगे। गाइस मेरा कुलचा रेडी हो गया है एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप बटर या तो घी जो भी हो आप दे सकते हो। एंड इसमें लगाऊंगी मैं थोड़ा सा बटर, दोनों साइड में ही लगाएंगे। पनीर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बटर है, मैं थोड़ा सा बटर यूज की, उसके बाद भी थोड़ा सा तेजपत्ता, इलायची, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा मैगी मसाला, ये सबको बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये जो मिक्सर है सही मसाला का, तो ये मैंने इसमें दे दी, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है।
साथ में इधर नन बन के मेरा रेडी है, तो लगा रहे हैं थोड़ा सा बटर। इधर भी लगा देंगे थोड़ा सा बटर। बहुत गर्म है ये, देखो बहुत गर्म। अभी जाम तो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा स्वाद भी आया है, बहुत अच्छा स्मेल भी आ रहा है। ये है पनीर, पनीर को कर दिए ऐड यहाँ पे। ओह सही, पनीर बहुत अच्छा हुआ है, कलर भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा कलर आया है। और यहाँ पे देंगे मैं घर में घर का ही किया हुआ है ये मलाई। आज तो डिनर एकदम जम जाएगा। अभी कर दूंगी गैस को बंद। एंड गाइस ये है लास्ट वाला मेरा कुलचा। ओहो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा पक भी गया है। लगाऊंगी जरा सा बटर एंड बहुत नरम भी हुआ है। गैस को कर दी बंद। यम्मी कुलचा। पनीर को ग्रेट कर देंगे इसमें गार्निशिंग के लिए। महक भी बहुत अच्छा आया है। तो गाइस आप लोग भी ट्राई करना इस तरह से। थोड़ा सा देंगे बटर। थोड़ा सा बटर देंगे। देंगे धनिया पत्ता एंड गार्निश के लिए, यहाँ पे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा देंगे क्रीम। मैं घर में ही मलाई दी हूँ। गाइस रियली ऑसम ऑसम टेस्ट हुआ है। मैं खुद करके खुद की प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन गाइस सही में बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई करो। एंड मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसीलिए अभी जाएंगे थोड़ा डिनर करेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 11:10। ठीक है, तो अभी हम लोग डिनर करेंगे, तो थोड़ा देर हो ही जाता है इस टाइप से, मतलब प्रिपेयर करने में। इतना अच्छा खाना खाओगे तो थोड़ा तो टाइम तो लग ही जाता है। सो बस यही था आज दिन भर का। सो ये शाही पनीर आप लोग ज़रूर ट्राई करना कुलचा के साथ, या तो नन के साथ, या तो रुमाली रोटी के साथ, किसी की भी साथ, बहुत अच्छे लगेगा। सो आप लोग सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। हर समय यही कामना करते हो। आप लोग भी बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरी फैमिली को बहुत सारा प्यार दीजिए, ब्लेस कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। सो बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।